हम भारतीय लोग जो हैं भगवान में मन, धन बहुत है लेकिन धन में मन नहीं। भारत का आदमी ये जानता है कि ये सब नश्वर है, आध्यात्मिक ज्ञान यही तो है। इसलिए हमारे यहाँ गंगा है, यमुना है, नर्मदा है, सरयू सरस्वती है, सरयू है, तीर्थों की बड़ी महिमा है। लोग सबसे मन हटा करके और तीर्थों में मन लगाते हैं, भगवान के चरणों में मन लगाते हैं, क्योंकि अंतिम सत्य यही है कि भगवान में मन लगे। इसलिए ऋषियों की धरती भारत रही है, ऋषि मुनियों की धरती है। नारद जी महाराज सारे तीर्थों में निकले शांति पाने के लिए, गृहस्थों के घर आए शांति पाने के लिए, पर नारद जी ने देखा सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानम न विद्यते उदिरम भरिणो जीवा वराकाः कूटभाषिणः। सत्यम नास्ति, आज के जमाने में सत्यम नास्ति मतलब सत्य का मानो नाश हो गया, सत्य कम लोग बोलते हैं। सत्यम नास्ति तपः शौचम, आज तपस्या नहीं है, तपस्वी नहीं बचे, पवित्रता नहीं है, पवित्रता पवित्रता नहीं है। सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानम न विद्यते, पवित्रता नहीं है, शांति इसलिए नहीं है क्योंकि पवित्रता नहीं है। और घर में झगड़ा है, किसकी चलती है? नारद जी ने कहा तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायका। आजकल घर में नई नई बहुओं की चलती है, सासू माँ की कोई पूछ नहीं। यहां है सासू माँ? है तो यहां है सासू माँ की पूछ? इसलिए हनुमान जी ने तो अपनी पूंछ में आग लगवा ली थी। पूरी फसाद की जड़ पूंछ है। फसाद की जड़ क्या है? पूंछ। सास कहती है हमारी बहू ने हमें नहीं पूछा, बहू कहती है सास ने फटी साड़ी को नहीं पूछा। तो झगड़ा पूरा पूंछ का है, इसलिए हनुमान जी बोले ना रहेगी पूंछ आग ही लगवाओ। पूंछ बुझाई खोई श्रम धरी लघु रूप बहोरी, जनक सुता के आगे ठाण भयंकर जोरी। पूंछ मतलब एटीट्यूड, अभिमान। आजकल झगड़ा अभिमान का ही तो है, हमें नहीं पूछा, हमें नहीं पूछा, हमें नहीं पूछा, इसी का तो झगड़ा है। इसलिए इस पूंछ में आग लगा देना समझदारी है। जब तक अभिमान में आग नहीं लगेगी तब तक शांति नहीं मिलेगी। आजकल पति पत्नी में भी अभिमान है, पत्नी चाहती है कि मैं कम हूं, पत्नी चाहती है कि पति मेरा सम्मान करे, पति चाहता है पत्नी मेरे सम्मान करे। मतलब हम चाहते बस हैं, हम करना नहीं चाहते। हम रिश्तों में भी खींचा तानी लिए बैठे हैं।